सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का पर्व इस बार 22 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती है। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन के दिन सुबह 6:15 बजे तक भद्रा व शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक राहुकाल है। उन्होंने बताया कि भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है और राहुकाल में शुभ कार्य नहीं किया जाता है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का पर्व कल 22 अगस्त रविवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। जैसा कि शास्त्रों में विधान है, रक्षाबंधन का पर्व भद्रा रहित समय में मनाया जाना चाहिए। कल प्रातःकाल 6:16 तक भद्रा है, उसके बाद भद्रा का समापन हो जाएगा। इसलिए रक्षाबंधन का यह पर्व प्रातःकाल 6:16 के पश्चात कभी भी राखी बांधी जा सकती है। भद्रा का कोई भी दोष नहीं है, परंतु शास्त्रों में यह भी मानता है कि चौकड़े के अनुसार यदि रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है तो विशेष सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चौकड़े के अनुसार 4 लाभ व अमृत के चौकड़े में प्रातःकाल 7:41 से 12:30 तक, अभिजित मुहूर्त में दोपहर 12:04 से 12:55 तक और शुभ के चौकड़िए में दोपहर 12:06 से दोपहर 3:42 तक रक्षाबंधन का यह पर्व मनाया जा सकता है। इस बार रक्षाबंधन पर शोभन योग, राजयोग और गज केसरी योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन संयोगों में रक्षाबंधन का पर्व मनाने से सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस बार 474 साल बाद रक्षाबंधन पर विशेष दुर्लभ योग बन रहे हैं। रक्षाबंधन पर कल सूर्य, मंगल और बुध सिंह राशि में और सिंह राशि का स्वामी जो कि सूर्य है, इस राशि में उसका मित्र मंगल भी रहेगा और शुक्र कन्या राशि में विद्यमान होगा। इस बार रक्षाबंधन का पर्व सवन नक्षत्र की जगह धनिष्ठ नक्षत्र में मनाया जाएगा। साधारणतः यह पर्व प्रतिवर्ष श्रावण नक्षत्र में मनाया जाता है। ऐसा शुभ संयोग 474 साल बन रहा है। इससे पहले यह योग 11 अगस्त सन 1547 में बना था। उस समय शुक्र बुध की राशि में विद्यमान था, जबकि इस बार शुक्र बुध ग्रह के साथ ही कन्या राशि में विद्यमान है। रक्षाबंधन पर सर्वप्रथम मुख्य दरवाजे पर रक्षाबंधन का यह पर्व स्वर्ण के रूप में पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। उसके बाद मंदिरों में देव प्रतिमाओं पर रक्षाबंधन का सूत्र बांध करके रक्षाबंधन का यह पर्व मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों के और यजमान, राजपुरोहित